केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में क्षेत्र के युवाओं में रोजगार कौशल एवं उद्यमिता बढ़ाने के अवसर प्रदान करने की मुहिम के तहत एटी स्किल्स युवाओं को बैकहो लोडर मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग प्रदान कर रही है। लोडर मशीन पर ट्रेनिंग गैनविल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। 45 दिन तक सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए युवाओं को संस्था के द्वारा प्लेसमेंट करवाने का काम भी बाद में किया जाएगा। प्रयास संस्था एटी स्किल्स एवं नाबार्ड के संयुक्त तत्वाधान में हमीरपुर जिला के पटनौन में युवाओं को लोडर मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो गया। लोडर मशीन बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी कैटरपिलर के वाहनों पर निशुल्क प्रशिक्षण गैनविल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं प्रयास संस्था और एटी स्किल्स ने प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को निशुल्क भोजन के साथ साथ आने जाने की व्यवस्था का भी प्रबंध किया हुआ है। इस अवसर पर प्रशिक्षकों ने एटी स्किल्स और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे प्रशिक्षण में युवाओं को स्वरोजगार के साथ साथ रोजगार के भी अवसर उपलब्ध होंगे। संस्था का धन्यवाद करते हैं और अनुराग जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम युवाओं के लिए एक सुनहरा रोजगार का अवसर दिया है और कैट कंपनी की तरफ से हमें बैकहो लोडर सिखाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और जिससे हम युवाओं के लिए एक रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। वहीं गैनविल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारी विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि गरीब युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए 45 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर साल भारत में लगभग 45,000 लोडर मशीनें बाजार में आती हैं। ऐसे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मेरा नाम विश्वजीत मुखर्जी है और मैं गैनविल कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया हूं जो कैटरपिलर का डीलर हैं उत्तर और पूर्व भारत के लिए। आज हम लोग इधर इकट्ठे हुए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए जो बैकहो लोडर ऑपरेटर ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम लोग अंडर प्रिविलेज यूथ के लिए, अंडर प्रिविलेज यूथ ऑफ द सोसाइटी, जिसको ये ट्रेनिंग देकर उसका नॉलेज और स्किल हम लोग उनको देना चाहते हैं। हम लोग का ये मशीन कैटरपिलर मशीन से और अपना ऑपरेटर ट्रेनर से, और ये ट्रेनिंग का मिलने के बाद उन लोगों को क्या होता है कि वो अपना ट्रेनिंग कर सक अपना तो ऑपरेट कर सकते हैं और नौकरी भी मिलते हैं ये सब मशीन के लिए ऑपरेट करने के लिए। इसलिए कि ये करीबन 45,000 से ज़्यादा मशीन हर साल बिकते हैं ऐसे मतलब बैकहो लोडर्स, तो ये ट्रेनिंग का चलते उन लोगों को वो नॉलेज और स्किल होगा जिसका चलते उन लोगों का एक डिसेंट लाइवलीहुड मिलेगा और अच्छे तरीके से ज़िंदगी निभा सकते हैं। यही कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हाँ, उसके साथ हमारा साथ विद्या फाउंडेशन का साथ हम लोग जुड़े हुए हैं जो इधर एक एनजीओ है और इधर काम कर रहे हैं। इस मौके पर नाबार्ड के सीजीएम ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए संस्था के प्रयास काफी सराहनीय हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि प्रशिक्षण शिविर में अधिक से अधिक संख्या में वे भाग लें। इंडस्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाए तो बहुत ही सफल रहता है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो ये बैकलोडर मशीन का जो प्रशिक्षण लोगों को दिया जा रहा है वो इसी उद्देश्य से दिया जा रहा है कि इस मशीन को अच्छी तरह से चलाकर ये लोग आगे जाकर अपने लिए नौकरी भी ढूंढ सकते हैं और सरकार की कई योजनाएं हैं जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है जिसमें इस तरह की मशीनों को लेने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से जो जितने भी ट्रेनी हैं सब या तो कहीं ना कहीं अब नौकरी ले लेंगे इस प्रशिक्षण के बाद और या फिर अपना खुद का मशीन लेकर कार्य करेंगे और इससे इन सबकी आय में वृद्धि होगी। आपको बता दें कि प्रयास संस्था और एटी स्किल्स क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्राप्त करवाने के उद्देश्य से पहले भी इस तरह के विभिन्न प्रशिक्षण शिविर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में आयोजित करती रही है।
और हाल ही में संस्था द्वारा दो बैचों में लगभग 35 युवाओं को निशुल्क सिक्योरिटी गार्ड एवं सिक्योरिटी सुपरवाइजर का प्रशिक्षण दिलवाया गया एवं उन्हें प्लेसमेंट भी करवाई गई। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार प्राप्ति के साधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ब्यूटी एंड वेलनेस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए गए। बांस उत्पादन को बनाने वाली एवं हस्तकला के क्षेत्र में जुड़ी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाता रहा है। बांस से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्माण करके आजीविका प्राप्त करने में महिलाओं को आसानी भी होती है। द्वारा नाबार्ड तथा गेनवेल के सहयोग से ये कैट ऑपरेटर्स के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि 45 दिन तक चलेगा और ये पूर्णतः फ्री है। किसी भी प्रशिक्षण लेने वाले से कोई पैसा नहीं लिया गया है। उनके लिए लंच की व्यवस्था, मेन रोड से यहाँ पहुँचाने की व्यवस्था और ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये 80 स्किल हब द्वारा प्रयोग यहाँ किया जा रहा है और ये मुफ्त है। और हम ये अनुमान लगाते हैं कि यदि बच्चे अनुशासन और मेहनत से इसको पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से अपना भविष्य बनाने में ये कार्यक्रम उनका बहुत योगदान देगा।